आजकल दौर है ना, आप कुछ करते हो तो जमाना सबसे पहले आपकी टांग खिंचाई करता है, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि लोग जाने अनजाने आजमाते बहुत हैं, लोग जाने अनजाने आजमाते बहुत हैं, बेबसी हो या शोहरत दिखाते बहुत हैं। लोग जाने अनजाने आजमाते बहुत हैं, बेबसी हो या शोहरत दिखाते बहुत हैं, जिन्हें आया ना आज तक जीने का सलीका, वो हमारी खुद खुशी पे मुस्कुराते बहुत हैं। और कोई एक नाम हो तो हाथों पे गुदवा लूं, कोई एक नाम हो तो हाथों पे गुदवा लूं, ये दगाबाज साले रिश्ते बनाते बहुत हैं। और वक्त ठहरा नहीं, फकत हम भी बढ़ गए, वरना हमें आती है सबको जवाब देना, पर ये मजबूरी है कि भी चुप रहना जायज है, हाँ पड़ता है। तो उसी पे लिखा है ये आखिरी लाइन कि वक्त ठहरा नहीं, फकत हम भी बढ़ गए हैं, वरना दुश्मनों के जनाजे में हम जाते बहुत हैं। एक प्यार पे लिख के लाया था एक्चुअली। एक कहते हैं ना कि लोग, लगता है लड़कियां पटाई जाती हैं, ऐसा जब भी कुछ होता है खासकर लड़कियों को लगता है कि संजोग था, ऐसा हो गया, वो मिल गया, किस्मत की बात थी। पर हम लड़कों की नज़र से देखें तो कुछ किस्मत ऐसा होता नहीं है, हम लड़कों का एक प्लान होता है, कैसे पटाना है, क्या सेटिंग करनी है, कब कितने बजे आती जाती है, सबकी एक प्लानिंग होती है। उस पर यह कविता है, आप सब जुड़िएगा और आप सबको हो सकता है अपनी अपनी कहानी याद आए। कविता का शीर्षक है तुम्हारा मिलना। तो सुनिएगा कि तुम्हारा मिलना मेरी कोशिशों और साजिशों का एक तालमेल था, जिसे तुम आज भी महज एक इत्तेफाक समझती। तुम्हारा मिलना मेरी कोशिशों और साजिशों का एक तालमेल था, जिसे आज भी तुम महज एक इत्तेफाक समझती हो। तुम्हें लगता है कि यूं ही कहीं से आकर टकरा गया था मैं उस दिन, तुम्हें लगता है कि यूं ही कहीं से आकर टकरा गया था मैं उस दिन, तुम्हें लगता है कि किताबें गिरी थीं और नज़रों पे दिल आ गया था उस दिन, तुम्हें लगता है कि मैं रोज़ स्कूल जल्दी आता था क्योंकि मेरी सुबह की ट्यूशन जल्दी छूट जाती थी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ठीक पीछे वाली बेंच पर बैठना मेरी मजबूरी थी, तुम्हें लगता है कि जमीन को छूती तुम्हारी दुपट्टे की मोरी पीछे की बेंच की कील में बार बार फंस जाती है, वहां कोई कील नहीं था, दरअसल वो मेरी पैरों की उंगलियों का एक खेल था, जिसे तुम आज भी महज एक इत्तफाक समझती हो। तुम्हारा मिलना मेरी कोशिशों और साजिशों का एक तालमेल था, जिसे तुम आज भी महज एक इत्तफाक समझती हो। स्कूल से लौटते वक्त अक्सर मेरी साइकिल पंक्चर हो जाती थी, उसी मोड़ पे होती थी जिस मोड़ से तुम जाती थी, तुम्हें लगता था कि मेरा घर तुम्हारे घर के रास्ते आता है, तुम्हें लगता है कि मेरा घर तुम्हारे घर के रास्ते आता है, तुमने ये कभी नहीं सोचा कि ये साइकिल वाला लड़का हमेशा पैदल क्यों जाता है। एग्जामिनेशन हॉल से निकलकर बार बार मैं तुम्हारे क्लास के बाहर पानी पीने जाता था और तुम्हें लगता था कि शायद मुझे कोई सवाल नहीं आता था, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे घर के ठीक सामने वाली चाय की दुकान मेरे किसी जान पहचान वाले की है, जहां मैं रोज सुबह शाम चाय पीने आता हूं, दरअसल वहां कोई जान पहचान नहीं था, वो बस तुम्हारी खिलती सुबह और ढलती शाम देखने का एक फेर था, जिसे तुम आज भी महज एक इत्तफाक समझती हो। और ये आखिरी अंतरा है, अगर सबको पसंद आए कि हाँ सबके लाइफ में ऐसा हुआ है तो बता दीजिएगा, कि त्योहारों में शहर से निकलने वाला हर जुलूस तुम्हारे दरवाजे गुजरता था, त्योहारों में शहर से निकलने वाला हर जुलूस तुम्हारे दरवाजे से गुजरता था, तुमने ये कभी नहीं सोचा कि ये लड़का अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे ही फेवरेट गाने पर क्यों इतना नाचता था। जनवरी का महीना जब तुम बाल सुखाने छत पे आती थी, वो मांझा क्यों फंसता था एंटीने में बार बार, जिसे तुम छुड़ाती थी, दरअसल वो सिर्फ माझा नहीं था, वो मेरे दिल का डोर था जो तुम्हारी उंगलियों से लिपटने जाता था, और एंटीना उसका कहाँ कोई रोल था, जिसे तुम आज भी महज एक इत्तफाक समझती हो। तुम्हारा मिलना मेरी कोशिशों और साजिशों का एक तालमेल था, जिसे तुम आज भी महज एक इत्तफाक समझती हो। थैंक यू।